हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको रसायन विज्ञान के प्रथम चैप्टर जो कि आपका फर्स्ट ईयर का है, 11th क्लास का है, उसके बारे में बताएंगे। यदि किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात आती है उस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे भी रसायन विज्ञान की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है। रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति है ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया का अर्थ होता था काली मिट्टी। मिस्र में काली मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे और वहीं से इस कीमिया से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगर हम इसके ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के पितामह की बात करें तो वर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है, ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। बाद में धीमे धीमे विकास हुआ तो आधुनिक रसायन विज्ञान आ गई और आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री वो लेवोसिए को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। रसायन विज्ञान विज्ञान की शाखा है और विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पदार्थ सब्सटेंस का कंपोजिशन क्या है, जो पदार्थ है उनका कंपोजिशन क्या है, पदार्थों का संकल्प क्या है, उनकी संरचना क्या है, उनमें कौन कौन सी चेंजिंग हो सकती है, उनके भौतिक रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ उन पदार्थों की कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, उनके भौतिक गुण कैसे हैं, रासायनिक गुण कैसे हैं, इन सब का भी स्टडी रसायन विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। अतः हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं पदार्थों का संघटन संरचना परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान का इतिहास क्या है। वैसे तो इसका बहुत लंबा इतिहास है लेकिन संक्षेप में इसे 5 भागों में बांट लिया गया। प्राचीन काल, मिस्र काल, औसत काल, प्रोजेस्टन काल और आपका लास्ट आता है आधुनिक काल। प्राचीन काल का जो समय ड्यूरेशन है समय वो आपका 3000 ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी तक का माना जाता है। यानी जो प्राचीन काल एंशियंट पीरियड है वो 3000 ईस्वी पूर्व से 3050 ईस्वी तक का माना जाता है। इसी काल में रसायन विज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी गई थी और उस प्रथम पुस्तक में आपका पेंटिंग धातुकर्म किडवन के बारे में वर्णन किया गया था। इस प्रकार से ये प्राचीन काल होता है। नेक्स्ट आपका जो काल है वो मिस्र काल है। मिस्र काल एक एगिप्टियन पीरियड, इस काल का जो समय ड्यूरेशन है वो 350 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इस काल में सबसे बड़ी बात यह है कि इस काल में लोहा और तांबा जैसी धातुओं से सोना बनाने की असफल प्रयास किया गया और तांबा और लोहा से सोना तो नहीं बनाता लेकिन बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं की गई। इससे काल में बहुत सारा रासायनिक गुण खोजे गए तो ये मिस्र काल कहलाता है। ये आपका 350 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य माना जाता है और इस काल में तांबा लोहा जैसी धातुओं से सोना बनाने का असफल प्रयास किया गया था। यानी हम कह सकते हैं कि सोना नहीं बना। इसके बाद हम तीसरा औषधि काल आपका ड्रग्स पीरियड 1500 ईस्वी से
कि यहां जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों ने पैरासेल्सस नामक मेडिसिन खोजने की कोशिश की और उनका ऐसा मानना था कि जो पैरासेल्सस शब्द यूज किया गया था इसका अर्थ उनका यह था कि ये जो दवा है सभी रोगों को ठीक कर देगी, यानी ये दवा ऐसी होगी कि किसी भी तरह की बीमारी हो और वो ठीक हो जाए, यानी ये अमृत के समान होगी और इससे लोग लंबी आयु जिएंगे। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन इस औसत काल में इस रिसर्च के द्वारा अनेक औषधियों की खोज हुई जिनके द्वारा अनेक बीमारियों का सफल इलाज किया गया। फिर नेक्स्ट आपका आता है फ्लोजिस्टन का। फ्लोजिस्टन पीरियड का जो समय ड्यूरेशन है 1650 ईस्वी से 1744 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इस काल में फ्लोजिस्टन काल ही इसका नाम क्यों पड़ा, तो इस काल में यह कहा गया किसी वस्तु को यदि हम जलाते हैं तो किसी वस्तु को जलाने पर उससे जो पदार्थ निकलते हैं उन पदार्थों को फ्लोजिस्टन कहा जाता है। अगर हम किसी भी वस्तु को जलाएं तो वस्तु को जलाने पर उनसे जो पदार्थ निकलते हैं उन पदार्थों को फ्लोजिस्टन कहा जाता है। और इसी काल में आपके रॉबर्ट बॉयल ने रासायनिक तत्वों का वर्गीकरण किया, रासायनिक तत्वों के बारे में बताया था। सीले ने क्लोरीन की खोज की थी, डॉक्टर ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की थी। प्रीस्टले और कैवेंडिश ने यह बताया था कि H2O वाटर में दो भाग हाइड्रोजन होता है, एक भाग ऑक्सीजन होता है। अब बात करते हैं हम लास्ट आधुनिक काल, तो आधुनिक काल आपका 1744 ईस्वी से लेकर के आज तक के काल को आधुनिक काल कहा जाता है। आपका जो पांचवा है वो आपका आधुनिक काल होता है। ये आपका 1744 ईस्वी से लेके अभी तक का जो काल है वो आधुनिक काल कहा जाता है। और इस काल में सबसे अधिक विकास हुआ है। यहाँ पर सोडी, मैडम क्यूरी और अवोगाड्रो कई वैज्ञानिकों ने अपने बहुत सारे परिकल्पनाएं, बहुत सारे नियम और सिद्धांत दिए। इस प्रकार से ये था रसायन विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास।